देखो जिसमें अब जो आप लोगों को पढ़ रहे हैं इसमें जैसे एक ये बताओ कि क्वेश्चन लिखो आगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो जैसे इसका बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये बताना है। अब इस बताओ ये दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा हो ये बताओ। हाँ कौन होगा जी बोलो पहला कि दूसरा? दूसरा पहला होगा। देखो जी अब दोनों पहली बात तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दोनों क्या है प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये भी हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ठीक है जी दोनों में देखो एक लॉजिक याद रखो जिसमें लार्जर एल्काइल ग्रुप होंगे, लार्जर देखो दोनों एल्काइल ग्रुप है डोनेटिंग ग्रुप, लार्जर एल्काइल ग्रुप में ये बुक में दिया एनसीईआरटी में भाई उसमें क्या होगा दो दो कार्बन है तो इसको मान लो ये सपोर्ट किया तो ये भी खैर को सपोर्ट कर देगा। इस सेंस में क्या कह रहा है लार्जर एल्काइल ग्रुप क्या कहेंगे सोच वो इंडक्टिव है कब जब डिग्री सेम है। देखो जी दोनों का क्या है डिग्री सेम है दोनों का है प्राइमरी है ध्यान देना। तो हम ऐसे कंपेयर इसमें कर सकते हैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैसा है बताऊंगा अभी। तो आप ये कह सकते हो जैसे यहाँ इथाइल ग्रुप हमारा है, इथाइल ग्रुप जो हमारा है क्या है वो लार्जर है, लार्जर एल्काइल ग्रुप सोच मोर इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेबिलिटी बस काफी है। एक क्वेश्चन जो है ना अनकॉमन कभी कभी आ जाते हैं इसका भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ दो मिनट के बाद। ठीक है जी तुम लोगों का संडे को स्टार्ट हो जाएंगे रिडॉक्स और मंडे से शुरू हो जाएगा इक्विलिब्रियम भी। संडे को रिडॉक्स जो पढ़ाए धीरे धीरे करवाता रहूँगा क्लास में। ठीक है जी ठीक है जी चलो एक काम करो एक जो डायग्राम है बुक में कभी कभी आ जाते हैं पेपर में। देखो जी हेडिंग लिखो ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइपर कंजुगेशन,
इथाइल केटाइन जो हमारा है इसका तुम एक ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बना सकते हो उसका हाइपर कंजुगेशन का। तो डायग्राम आसानी है, तो सब देख रहे हैं जी एक बार। अब डायग्राम इसका आसान ही होता है, देखो कि कैसे बनता है। जिसे ये देखो, ये सबको पता होगा आप लोगों को। तो मान लो कार्बन जो हम बनाते हैं, जैसे मान लो हम रबड़ी बना रहा हूँ, जैसे कार्बन में 3H होता है, सब जानते हैं ये 3H होता है। एक कार्बन 3H को मैंने ऐसे बना दिया सपोज करो, दूसरा कार्बन को मैं ऐसे लेकर के ऐसे बना दिया, ध्यान देना प्लस चार्ज, और यहाँ लिख दिया मैं एमपीटी 2p ऑर्बिटल। बोलो किसको समझ में आया बॉन्डिंग एमपीटी 2p ऑर्बिटल, बोलो किसको समझ में आया बॉन्डिंग पड़े हुए। हाँ यहाँ पे मतलब कितना एच होता है, 2H होता है, वैकेंट है 2H होता है। तो 2H में क्या दिखाता हूँ, 2H दिखा देता हूँ, ठीक है 2H दिखा देता हूँ ऐसे, या ऑर्बिटल बना सकते हो उसको मर्जी है, ऑर्बिटल भी बना सकते हो। मैंने ऐसे दिखा दिया, चलो दो को ऐसे दिखा सकते हो एच करके एच एक्टर एमपीटी 2p ऑर्बिटल। बोलो जी क्यों दिखाया है, sp2 होता है जी, क्या होता है इसका sp2 सब जानते हो, क्यों कार्बोकेटाइन है भाई, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड sp2, एक प्लस चार खाली ऑर्बिटल है, मतलब sp2 का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, pa खाली है ना, sp2 का मतलब s में एक बॉक्स, p में तीन होता है ना, जैसे हम sp2 यूज करते हो खाली नहीं रहेगा, वैकेंट रहेगा। यदि मान लो आप एक s ऑर्बिटल दो p का बॉन्डिंग में यूज करते हो, तो एक हमारा क्या खाली रहता है पी ऑर्बिटल, तो ये खाली है ना। तुम जो हाइपर जो बनाए थे रफली जो बताया था कैसे बनाया था याद करोगे, अब तुम इसको याद करके डायग्राम बना दोगे, थोड़ा ध्यान दोगे बताओ, तो यहाँ पे प्लस चार्ज था, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गए थे, ये एच प्लस हो गया था, मतलब ये बॉन्ड यहाँ टूट के बनाने वाला है, ये तो बन तो गया जाए, ये यहाँ से बन सकता है सिग्मा पी सिग्मा पाई या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन यहाँ से हो सकता है, लो बन गया डायग्राम। ये बॉन्ड क्या चाहेगा जी, यहाँ चला जाओ, हम क्या दिखा रहे हैं ऑर्बिटल डायग्राम में, ये एच बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होके सिग्मा नहीं यहाँ पे आया था डबल बॉन्ड, ये ऐसे बनाए थे जो ऐसे बन गया था एच प्लस, याद आ गया। तो ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइपर कंजुगेशन शोइंग इथाइल केटाइन, इथाइल CH3CH2 प्लस है, ये इस एच या इस एच कहीं से भी कर सकता है। तो हमने क्यों दिखाया डॉटेड बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये देख ये पाई बॉन्ड बन सकता है, है ना पाई बॉन्ड, ये जब ये एच चला जाएगा ये आपका पाई बॉन्ड बन सकता है, आइए समझ में। इसको कहते हैं वो भी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बनाया है, उसको में डाल देते हैं भाई डायग्राम बना के दिखाओ ऑर्बिटल डायग्राम, तुम जानते हो बनाना, बस के डॉटेड दिखा दोगे भाई, यही सिग्मा पी कंजुगेशन होने वाला है, कहीं से यहां से दिखा सकते हो। बनाओ चलो जी,
बना के एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आगे जो क्वेश्चन है। ठीक है जल्दी शुरू करो जयराम जो बना लिया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारो। यहाँ पे होगा सी एच थ्री हो ट्राई सी एच टू प्लस होगा। हाँ ये पार्ट को कर दो सी एच थ्री होन ट्राई सी सी एच टू सी एच टू प्लस ये क्वेश्चन बाकी सब में देख लो ठीक है जी बाकी बाकी ठीक है। जल्दी पहले बताओगे इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एनसीईआरटी में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। हां जी बताओ और बताओ ए पार्ट है कौन सा आंसर है ए पार्ट गलत है सबका सबका गलत है डी बी होगा जी क्यों बता रहा चलो मैं ऑर्डर ऑफ व्यू लिख ही देता हूँ साथ में मैं क्वेश्चन में तुमको मोर आ जाए सबसे मोर लिख ही रहा हूँ साथ में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाए उसको भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो सबसे ज्यादा बी क्यों होगा बताता हूँ थ्री डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा क्यों है दिखा रहा हूँ सबसे ज्यादा थ्री डिग्री कार्बोकेटायन है क्यों तीन तीन डाइट लगा हुआ एल्काइल ग्रुप तीन तीन बनाया था इसके बाद कौन होगा ए पार्ट अभी होगा भी नहीं कौन सा होगा डी पार्ट सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा क्यों बता रहा हूँ देखो ये हमारा क्या है डी पार्ट है पहले बी ए बी है बी होगा फिर डी होगा मतलब ये टू डिग्री कार्बोकेटायन है क्या है डिग्री में तो भाई दो दो साइड से सपोर्ट करने वाला है और तीसरे वाले में क्या होगा तीसरा कौन होगा बोलो अब ए होगा क्यों बता रहा हूँ ध्यान दोगे जी ध्यान दोगे प्राइमरी में लार्जर है ये प्राइमरी है ध्यान दो जी बच्चे का सोचता है टर्शियरी है दिस इज वन डिग्री कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बो कार्बो में एक ही कार्बन लगा है प्राइमरी हाँ लार्जर ये लगा हुआ है लार्जर वाला इसीलिए इससे ज्यादा स्टेबल है। लो जी यहाँ इथाइल है अब बोलो किसको दिक्कत है डबल बॉन्ड है सी के साथ। हाँ
उनके साथ वो डबल बॉन्ड है। जब क्वेश्चन तो देखो राउंड क्यों हो जाएगा, बोलो होगा क्यों डबल बॉन्ड? ठीक है जी, जो क्वेश्चन देखो जी सीएसटी सारा है, ठीक है। अब बताओ किसको नहीं सर रहा है, ये सब प्राइमरी कार्बो कैटायन है, कुछ लोग छूटते पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ये लार्जर एल्काइल ग्रुप हुआ, ये वाला प्राइमरी में ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप हुआ, दोनों प्राइमरी में। देखो जी वैसे भी तुम सोच सकते हो, इधर देखो यहाँ पे क्या है जी, देखा जाए तो भाई फाइनली क्या है, एल्काइल ग्रुप एक तो है, एक ये सपोर्ट इधर दे रहा है, इधर मान लो आ गया, इसमें क्या है इधर से ये दे रहा है, इधर से ये दे रहा है, इधर से हल्का हल्का पड़ गया है तीन, तो क्या टू इससे क्यों ज्यादा नहीं है भाई? कार्बन वन के बाद टू में तो इफेक्ट कम हो जाता है जी। एंट्रेंस की बहुत मतलब जैसे कुछ बुक में लिखा हुआ है जी, एंट्रेंस की बुक में इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज इफेक्ट, शॉर्ट रेंज है जी, रेंज इसका कम है, यानी कहो कार्बन टू के बाद ये तो कम ही नहीं करता इफेक्ट ज्यादा, कार्बन वन कार्बन टू तक सपोर्टिंग कर देता है। लेकिन इसमें क्या है जी, कार्बन एक सीधा तीन तीन लग लग रहा है, अच्छी बात है, बोलो इस कार्बन में क्या है जी, है तो एक ही हल्का है, इस कार्बन को तीन सपोर्टिंग बैठा हुआ है बस, तो फर्क है दोनों, तो मैंने ऑर्डर ही लिखा दिया, बाकी बच्चे डी पार्ट आंसर इसका ऑब्जेक्टिव होगा जी। कुछ आज क्वेश्चन सब कर रहे हो तो तुम्हारे स्कूल के पेपर में आएंगे, जो ही तो करवा रहा हूँ आज, जो एप्लीकेशन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है स्कूल सब आते रहते हैं। दो जी क्वेश्चन टू, नंबर क्वेश्चन टू सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन टू बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, हाँ जी बताओ। सबके पास अपना बुकलेट है जी, पीछे पढ़ जिसको नहीं आता है पढ़ के बता सकते हो आंसर, जिसको आता है वैसे बता दो, किसको आता है जी, आता है किसी को पीछे बता रहे हैं खुश होता सर बोले नहीं है, मैंने दिया क्या दिया था तो मैं अच्छी बात है जी, मतलब मैं काफी ना देखे बताओ नहीं लगा, अच्छी बात है पेपर थे तो मैं जरूरत है पूरे, जब तुम स्कूल का पेपर देने जाओगे क्या होगा सारे पुगले जो होगा तो ऐसे ही बता दो जल्दी, किसको आता है किसी को नहीं आता है, जल्दी से दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग क्या क्या रिवाइज करोगे, क्योंकि आज क्वेश्चन ही मेन है, हो चुका है सिलेबस चैप्टर हो चुका है, इसमें क्वेश्चन करवा दूंगा बस हो जाएंगे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे आज चार पाँच क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्कूल में, सब स्कूल में आएंगे पेपर देखो, तो भाई जल्दी से दो मिनट का टाइम है, क्या पढ़ लो जल्दी से, इंडक्टिव फाइव बोलो, आप आगे बोलो एमसीक्यू थोड़े टिक मारोगे, मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा आंसर, सब हो जाता है ऐसे क्या करोगे,
तुम नहीं कहोगे जी मैडम हो जाता है ऐसे हो ही जाएगी, कैसे होगा बताना है। अभी पढ़ो पहले इंडक्टिव हाइपर और गूगल है क्या नहीं कहाँ से पढ़ा है ड्यू टू हाइपरटेंशन ओवरलैपिंग हो जाता है कहाँ तो किसने बोला था किसने याद नहीं है ये तो लाइन तो तुम याद है जी मैंने तुम सही स्टार्ट किया था लाइन हाँ जी अरे क्या कहा मैं जिसको आता है अच्छी बात है जिसको नहीं आता है जल्दी क्या प्रॉब्लम है जो इंडक्टिव हाइपरकंजुगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो है इसमें देख जाओगे फटाफट जी बताऊंगा सर जी आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तो समझ में आ जाए आंसर क्यों लिखते हम पढ़ते थे आज ट्वेल्थ में भी जो काम आएगा वो भी क्वेश्चन कुछ है यहाँ पे एनसीईआरटी में जल्दी करो दो मिनट तो फिर गर्म पानी पीला करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है क्या पूछ रहे देखो हाइपर कंजुगेशन ही होगा कैसे होगा बताओ अरे काय गुड एक्चुअली अब तू खुद देखो अटैच टू अ पाई सिस्टम सबको पता है मान लो ये पाई सिस्टम है मैंने पाई सिस्टम उसको दिखाया था मान लो ये पाई सिस्टम हमने ऐसे ले लिया चलो प्रोटीन ले लिया चलो ये बताओ प्रोटीन में आपके पास आपकी मदर है
ये प्रोटीन है जी मान लेंगे ये प्रोटीन है और ये इसमें ये एल्काइल ग्रुप्स है मिथाइल अब तुम ये कह दो कि भाई एल्काइल ग्रुप्स है तो क्या होगा प्लस आई से डरवा दे मैं क्या पूछ रहा है तुमको पाई सिस्टम से अटैच्ड हो क्या एल्काइल ग्रुप ये टोन डोनर का काम करता है जी पढ़ाया था बताओ जी करो डेफिनेशन क्या पढ़ाया था हाइपर का बताओ जी क्या पढ़ाया था डेफिनेशन इट इन्वॉल्व्स क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सीएच बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम या अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल जो सिस्टम है हाँ जी पढ़ाया था हाइपर में क्या था यही था उसमें क्या था जी इंडक्टिव इंडक्टिव में बोलो क्या था इंडक्टिव इफेक्ट कुछ और बात थी वहाँ पाई सिस्टम की बात नहीं थी वहाँ था जो एक कार्बन चेन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ड्रॉइंग या तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है जी प्रोलाइज होता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कार्बन कार्बन क्या है सिग्मा बॉन्ड ही था एक जगह क्या हुआ डेल्टा माइनस एक जगह डेल्टा प्लस मतलब कार्बन चेन को हमने इलेक्ट्रॉन खींच के चार्ज डेवलप करवा दिया था इस पे ऐसी बात नहीं है देखो जी फिर से देखो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कैसे किया था एल्काइल ग्रुप फिर से देख रहे हो लो जी प्रोपीन ले लिया लो जी दे तो रहे इलेक्ट्रॉन दे तो रहे एल्काइल दे रहे नहीं ऐसे बनाया था तो सी एच एच प्लस डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सी एच टू माइनस होगा जी बोलो एक बन गया सिमिलरली क्या कहा था तो एल्काइल में तीनों सी एच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं नहीं दे सकते है? तीनों इसीलिए हमने तीन तीन बनाया था हाइपर कंजुगेशन सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस ये बना था हमारा ठीक है जी ये बन गया था बताओ नहीं बना उसके बाद अगेन क्या हुआ जी फिर एक और तो बना के देख एक मैं बना देता हूँ अच्छा जी फिर से बनाओ आप लोग भी बना लो फिर से एक जी हमने प्रोटीन के कितने बनाए हाइपर कंजुगेशन तीन बना दिया जी तो भाई एल्काइल ही तो टोन दे रहा है देख लो और कौन दे रहा है भाई एल्काइल तो दे रहा है टोन दिया तो दे तो रहा है एल्काइल ग्रुप क्या लिखोगे आंसर जी एल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच टू अ पाई सिस्टम किससे थ्रू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हायर द नंबर ऑफ क्या जी एल्काइल ग्रुप्स नहीं हायर द नंबर ऑफ क्या जी अल्फा एच होगा या हायर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डाल दो एल्काइल ग्रुप्स मोर इज द स्टेबिलिटी बाद में जी मतलब एल्काइल एक था तो तीन बना हाइपर इसी में जी दो एल्काइल कर दो कितना बनेगा छह बनेगा तीन एल्काइल कर दो कितना नौ चार एल्काइल ही कर दो जी बारह बन जाएगा एल्काइल पे डिपेंड है और क्या है इंडक्टिव कहाँ लगाना है हाइपर कंजुगेशन कहाँ लगाना है क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे कोई इंडक्टिव की बात नहीं कर रहा है कोई हाइपर कोई इलेक्ट्रोमेरिक की बात नहीं कर रहा है तो भाई बना दो पहले फिर लिख दो कौन जी ये पीछे अरे क्या बात है बताओ जी यहाँ पे गलत काम समझ क्या करो जी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से क्या जी एल्काइल ग्रुप से एक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनर अटैच टू अ
पाई सिस्टम टीचर लोग जो भी देखेंगे हाइपर क्या देखेंगे हाइपर कंजूजन ठीक कर देंगे टीचर पता है बच्चे को चाहे समझ में नहीं भी आया हो ठीक है जी घर पे टीचर कुछ नहीं आए क्यों निकाले थ्रू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई हायर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स मोर इज द स्टेबिलिटी स्टेबल ज्यादा हो गई तो भाई हाइपर कंजुगेशन ठीक है जी रिवाइज हो गया आपका हाइपर कंजुगेशन क्वेश्चन जो आते हैं और टर्शियरी कार्बोकैटायन में बताया जाता है हाइपर भी है और इंडक्टिव की बात कर सकते हो हाँ जी क्वेश्चन देखो चलो जी कोई नहीं क्वेश्चन देखो पेज नंबर 110 जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ जी तो बच्चे ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि तुमको ये काम आने वाला है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बताओ CH3CH2 में डाल दिया O माइनस डाल दिया O माइनस डाल दिया मान लो और ये बताना यहाँ जो O माइनस है इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक ले लिया हमने CH3CH2CH2OH ले लिया है क्या ले लिया OH ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बताना है ये बताना चेन लगा हुआ चेन ग्रुप जो मैं राउंड किया हूँ ये क्या है इलेक्ट्रॉन में ड्रॉइंग है या डोनेटिंग है दोनों बताना है दो पार्ट हमने दे दिया है कार्बन चेन में जो लगा हुआ है OH ग्रुप है O माइनस क्या बताना है कौन दिखा रहा है मैं वो ड्रॉइंग दिखा रहा है ड्रॉइंग इफेक्ट कौन दिखा रहा है डोनेटिंग इफेक्ट Yeah.
हाँ जी आगे ठीक है, हम बताओ जी आंसर। पहला तो ग्रुप एक कौन सा ग्रुप है? ड्राइंग 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 ग्रुप होगा। गलत आंसर जी, डोनेटिंग है। क्यों जी? ये रिच है जी। क्या है? क्यों रिच है जी? ये लेगा क्यों? ये देगा जी, हाँ देने वाला है। और यहाँ देखो जी, ये क्या है? ड्रॉइंग है। क्यों? क्या है? टू नेगेटिव अटैक में क्या है लिखा है? क्या कार्बन चेन से जब क्या लगाओ? एफ ओ एन या हैलोजन। ये हमारा क्या हो जी? मैंने साइज दिखाएगा लैपटॉप ड्रॉइंग। तो भाई यहाँ जी मैंने क्या लिखवाया? सिंपल लिखवाया था, एनायन की बात नहीं किया था। मैं ये बात किया था जब आपका क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी जो कार्बन चेन से जुड़ खींच सकता है। ड्राइंग का काम किया, डोनेटिंग का काम किया। क्या लिखा है? पूछ लिया। अच्छा रिच। इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देने वाला क्यों है? क्योंकि ओ पे माइनस चार्ज है। लेगा क्यों जी? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लोग ये भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जी? एट ओ एटम जो है। तो ये चीज तुमको बहुत जगह केमिस्ट्री में 12th तक काम आएंगे जी। ये ड्रॉइंग ड्रॉइंग हम ठीक है देखते हैं कैसे क्या है। अब ये बहुत फेमस हो जी, मैंने जो अभी पढ़ाया एल्काइल ग्रुप्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम। डिफाइन तो तीन में से सबसे बातें हैं सर, इंडक्टिव हाइपर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस बनाना। डिफाइन ये सब हो गया। एक क्वेश्चन ये कराया एल्काइल ग्रुप वाला। ये क्वेश्चन यदि नहीं आता है जो अभी कराया था ये वाला, ये आएगा नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन एक आएगा जी। फोर्थ क्वेश्चन आगे, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में से इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। कुछ फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी मैं, पहले फोर्थ क्वेश्चन करो नहीं तो। बोलो तो ये विच ऑफ द टू जो कंपाउंड दिया हुआ है जी, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड व्हाई? बताओ क्वेश्चन देख लिया? बताओ जी क्या होगा? लिखो लिखो लिखो, ठीक है बताओ जल्दी। जिसको दिक्कत है तो भाई ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एनओ टू में डबल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था। ऐसे चेन में कार्बन चेन में लगा हुआ है, कितने कार्बन है? दो कार्बन, सी एच टू माइनस है, ओ माइनस, और एक क्या है? सी एच थ्री सी एच टू ओ माइनस ऑक्साइड आए। चलो बताओ जी कौन से स्टेबल है? हाँ जी स्टेबल कौन है? दूसरा। हाँ क्यों? पहले वाला क्यों? पहले क्यों होगा? क्योंकि उसपे माइनस आई पे क्या ग्रुप दिखाता है ऑलवेज प्लस आई फैक्ट। कौन स्टेबल है? दूसरा वाला जी। पहला क्यों नहीं है? पहला स्टेबल क्यों नहीं है जी? दूसरा जो दूसरा कह रहे हो क्यों? क्यों एल्काइल ग्रुप है, पहला क्यों नहीं स्टेबल है? ड्राइंग रूल लगा हुआ है। गलत बात है जी, क्लियर करो ये क्वेश्चन। पहला ही होगा क्यों? फिर माइनस आई इफेक्ट भी नहीं है तो सिक्स हो जाएगा स्टेबल से ज्यादा है तो क्यों हो जाएगा स्टेबल? भाई माइनस आई से इफेक्ट, मैं जब कार्बो कैटायन पर आया था तो क्या पढ़ाया था? माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है, नेगेटिव आई। तो जी अब कहाँ पे क्या है? लो जी एंट्रेंस का काम तो आसान हो गया, लिखना मुश्किल है।
कैसे तो आसान है, देखो जी कैसे आसान होते हैं, सिंपल तरीका है। देखो अब ये बच्चे को पता है कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन में जी। जी अब ध्यान दोगे किसी कंपाउंड में माइनस चार्ज है, पढ़ाया था जी मैंने जब शुरू पढ़ाया था, क्या कहा था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, नो चार्ज सेपरेशन, इसमें मोर नंबर ऑफ क्या हो कोवलेंट बॉन्ड। कंपाउंड में चार्ज अच्छा नहीं होता है, चार्ज ध्यान देना किसी भी कंपाउंड में अच्छा क्या होता है न्यूट्रल आना। चार्ज हम कंपेयर कब कर लो, अब यहाँ माइनस माइनस है वो पे दोनों में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से क्या ज्यादा है, अब यहाँ से ड्रॉ किया क्या किया ऐसे चेन को खींच रहा है, ये कार्बन खींच रहा है, खींच रहा है, डेल्टा प्लस चार्ज आया थोड़ा यहाँ, इसमें क्या करे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डेल्टा माइनस आया, हाँ जी रिपल्सन होगा, दिखे क्लियर तो रिपल्सन वाले को क्या बोलते हैं टेंशन होना, किसको पहले थे पहले से, मान लो कोई आदमी मान लो पहले से नीचे दिखता है जी, मान लो दिख रहा है तुमको मान लो ठीक है जी, अच्छा से मान लो सूट वूट पहना हुआ है, तुम जाओगे आपको 50 रुपये हेल्प कर देंगे रोजी रास्ते में ले लेगा, आपको हेल्प कर लेंगे 50 रुपये को हेल्प करना है आपको लेगा, क्यों नहीं लेगा, ले सकता है नहीं लेगा जी नहीं लेगा, क्या सुन रखी जी भिखारी हूँ क्या मैं, यदि उस मूड में है ना कहीं पार्टी में जा रहे हैं तैयार वार होके जी नहीं लेगा उस टाइम, माँ की चुपके से लगवा दे चुपके से ले रही थी गिरा हुआ वोट वोट, लेकिन तो उसको सपोर्टिंग के भीड़ तो नहीं लेगा, नहीं जी 50 मुझे पता है जी किसी गरीब को तो, अरे जो रिच है पहले से जी, मतलब ये रिच तो है पहले से रिच है देखो, अरे वैसे भी कार्बन चेन में देने वाला है ओपे माइनस इंटेंसिफाई कर रहे हैं रिपल्सन होगा, यहाँ क्या जी चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं माइनस को, क्या कर रहे हैं माइनस को डिस्पर्स कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी जी, दोनों में क्या है ओ माइनस ओ माइनस है, इस चेन में क्या लगा दिया एक ड्राइंग ग्रुप, तो ये चीज बच्चे उल्टा पुल्टा आंसर लिखते हैं, तो ये हमारा लॉजिक हुआ, एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूँ एक लाइन ठीक है, क्या लिखोगे बोलो, हाँ जी क्या लिखोगे NO2 पहले लिखो जी, पहले कोशिश पहले लिखोगे पहले NO2 ये जो था NO2CH2CH2 O माइनस इज मोर स्टेबल बिकॉज लो जी ठीक है लाइन बिकॉज क्या बोलो लो देखिए शुरू केमिस्ट्री में इधर देखो कभी भी हम NO2 ऐसे थे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में क्यों ये कहीं से लगा हुआ है, बच्चे क्या लिखते हैं स्कूल में NO2 ये नो टू नहीं है ये नो नहीं है ये क्या होता है ऑड होता है क्या होता है ऑड नंबर ये किसी में लगा हुआ है चेन में देखो लगा हुआ है बिकॉज NO2 ग्रुप क्या इज अब लिखोगे कैसे जी टीचर को अच्छा लगे मैं हाँ इतने अच्छा से लिखा आंसर कोई बुक पढ़ोगे उससे भी समझ लोगे क्या कहना चाह रहे हैं ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप किससे बाय इंडक्टिव इफेक्ट की मैंने बात किया मैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है NO2 क्या होता है इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप बाय बोल यह क्लियर हुआ ये बात मतलब बता दीजिए जब कार्बन चेन में क्या लगा हो FON लिखा था और एनी हैलोजंस तो क्या होता है दैट इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वही लिखा था लाइन में बिकॉज NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप बाय इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या होगा जी बोलो इट तब क्या इट विल क्या कर रहा है बोलो इट विल हाँ देखो जी इट विल बी क्या अब जैसे मुझे लिखो जी डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज डाल दो देयरफॉर इट विल बी क्या जी डिस्पर्सल लिख दो डिस्पर्सल ऑफ क्या नेगेटिव चार्ज किस पे जी कैसे कम करें चार्ज ऑन अरे किस पे बोलो ऑन ओ एटम ऑक्सीजन एटम जी एटम हेंस विल बी मोर स्टेबल बस हेंस विल बी मोर स्टेबल बताओ जी मेन बात तुमने क्या किया इसको मेजर क्या देखेंगे बोलो जी टीचर लोग तुमने ये बात लिखा कि नहीं लिखा जी देखो ये बात
भाई तुम ले क्यों रहे हो स्टेबल ज्यादा है तो क्योंकि ये ड्रॉइंग ग्रुप है क्यों है बाय इंडक्टिव इफेक्ट हमने तो सारी बात कह दी है प्रॉपर्टी बता दिया भाई चेन में खींच रहा है तो ऐसे होगा लेकिन दिखा भी है डेल्टा प्लस का वो पे चार्ज कम हो रहा है उल्टा है उसमें क्या लिख दो जी फर्स्ट पॉइंट की हो गया पहला पॉइंट में सेकंड में क्या लिख नीचे लिखोगे दूसरा केस में क्या है बताओ इथाइल ग्रुप क्या लिखोगे जी तो पेपर में जैसे मर्जी लिखना लेकिन इंडक्टिव की बात जरूर करना जी इलेक्ट्रॉन ड्यूअल लूप इंडक्टिव की बात करो बाकी तुम सपोर्ट कर देना एक में मैंने चार्ज भर रहा है एक में मैंने चार्ज कम हो रहा है इथाइल ग्रुप क्या लिखोगे इथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय इंडक्टिव इफेक्ट सो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम ठीक है डाल सकते हो रिपल्सन इंक्रीज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा मैं लिख दिया वहां पे एरो बना दिया अब देखो जी तुम्हारा एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन दे दिया एसिडिटी का दे रखा है दो ही जो ट्वेल्थ का क्वेश्चन है अब उस क्वेश्चन को समझाने के लिए टीचर साहब तो जल्दी बता देंगे तुमको ऐसे कर लो थोड़ा मैं बेसिक बता देंगे बता के फिर करवाता हूँ निकालो पेज 111 बेसिक चीज बता देता हूँ गिरी रह गया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी तो जी एसिडिटी तुम्हारा क्वेश्चन दो जो लिखा है बच्चे याद कर दे आंसर दे लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ तुमको ट्वेल्थ में भी काम आ जाए और अभी भी समझ में आया आंसर क्यों लिख रहे हैं ऐसे एसिडिटी उसे बच्चे ऑर्डर याद कर लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे लिख के आते बताता हूँ बता दूंगा तो स्कूल में दो जैसे नहीं कुछ सताते लोग यहाँ मतलब क्या है साइड इफेक्ट है यहाँ प्लस आया है टीचर ठीक कर सकते हैं तुम्हारा टीचर जो है ना ठीक कर देते हैं आंसर से लो जी ये बताओ एसिड मतलब ये होता है जैसे मान लो HCOOH है अब ये एसिड कब हो सकता है बोलो जी एसिड कब होगा जब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाए तो जानते भी वो पोलर होता है
कुछ कम है जी। अब तुम देखो ट्वेल्थ में लिखा होता है एल्कोहल में OH बॉन्ड पोलर ही नेचर है। मान लो ये हमारा मिथेनोइक एसिड है जी, ठीक है। अब दो जी, अब तो ट्वेल्थ में ये पढ़ने वाले हो, बच्चे क्या पढ़ते हैं एल्कोहल में OH बॉन्ड पोलर नेचर है। लो जी सर से ऊपर से बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है। वैसे पोलर पता नहीं पोलर क्या था, पता नहीं क्या चीज था। 95 में बच्चे को ये आते थे, जो जो अच्छे बच्चे होते हैं 5% उसको आता है ये पोलर क्या क्या नहीं बताई है। भाजी हम समझी बात, क्यों नहीं क्यों निकलते ट्वेल्थ में पोलर इन नेचर पढ़ चुके हो, पढ़ो पढ़ाया था जी OH बॉन्ड पोलर क्यों है। OH में O की नेगेटिविटी ज्यादा है, H पे क्या होगा डेल्टा प्लस, O पे क्या होगा डेल्टा माइनस, इसी को बोलते हैं पोलर नेचर। इसीलिए मानो क्यों इसीलिए जानते हो नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है O की, इसीलिए यहां तक आ जाएगा क्या होगा हेट्रोलिसिस, क्या होता है ठीक है। अब पढ़ चुके जी बच्चे क्लास में क्या एक्वास्पेडियम में पानी में ये काम होता है, पानी में क्या होता है समझोगे आगे जी। तो क्या बन जाता है HCO O- + H+, ठीक है लिख लिया। ये हमारा प्रूफ हमने क्या किया जी भाई एसिड है इसीलिए दिया है, हमने प्रूफ कर दिया क्या ये एसिड है, क्या प्रूफ किया एसिड है दे रहा है H+। तो प्रूफ जी एसिड दे रहा है अपना H+, OH देगा ही नहीं, OH देने से क्या जाएगा जी, कोई कहे नहीं सर मैं तो ये बॉन्ड तोड़ूंगा जी, यहाँ देखो जी पोलर तो ये भी है थोड़ा, हाँ जी पोलर तो ये भी है तोड़ दो यहाँ माइनस, सी पे क्या होगा प्लस, अच्छी बात नहीं है जी, ज्यादा हो जाएगा डी स्टेबल। और एक बात है ट्वेल्थ में जी अभी नहीं पढ़ाऊंगा जी, लो ये बॉन्ड यहाँ पे है ऐसे नॉन पे है रेजोनेंस, ऐसे ले जाओ ऐसे ले जाओ, मतलब H+ देने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जो पढ़ा चुका हूँ ट्वेल्थ में पढ़ोगे जी क्या आफ्टर लॉस ऑफ H+ क्या है दिस इज फॉर्मेट आयन, क्या है इसका नाम क्या है फॉर्मिक एसिड होते हैं कॉमन लिखे फॉर्मेट आयन इज अगेन स्टेबलाइज बाय। कोई मान लो किसी को क्या करे जी 50,000 रुपया दे दे, उसके अकाउंट में कल 1,00,000 रुपये अपने आप आ जाए जी, भगवान जी दे दे तो लोग क्या करेंगे जी देते रहेंगे, दूंगा जी अच्छी बात आ रहे हैं। यदि किसी को पता हो कुछ देने से फायदा हो तो हम देंगे कोई चीज जी, मतलब क्या ये अपना H+ दे दिया और देने के बाद ये स्टेबलाइज हो गया किस से रेजोनेंस से आगे बढ़ा फिर से, अच्छी बात है। जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं देने के बाद यहाँ आ गया, बात खत्म है 11th क्लास में, 12th में क्या पढ़ोगे ये अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये हम बना के दिखा भी सकते हैं बाद में दिखाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं ठीक है ये एसिड है, अब इसी एसिड में ध्यान दोगे जी यही एसिड है इसमें लगा दू मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग रूम, क्या लगा दू एसिड तो एसिड दे रहे हैं जी। अब इस लगाने से देखोगे इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी जी इससे बढ़ जाती है, क्यों ध्यान दो जी ध्यान दो बात को, ये ग्रुप ऐसे खींचेगा खींच रहा है चेन में थोड़ा ये भी खींचेगा नहीं जी मैं भी खींचूंगा, इसमें क्या आ गया डेल्टा प्लस आ गया। अब ये पोलर तो था ही बॉन्ड पहले से, चाहता ना जल्दी आएगा जी, क्यों जल्दी आएगा प्लस है ये क्या इलेक्ट्रॉन है क्या है इलेक्ट्रॉन, इस प्लस को क्या करने के लिए रिड्यूस करने के लिए डिस्पर्स जल्दी बॉन्ड उठेगा तो क्या होगा ये फास्ट क्या होगा फास्ट इससे फास्ट बॉन्ड टूटेगा या क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ही हमारा, क्या करेगा CO O- + H+। तो बच्चे एटा क्या मारते हैं जी 11th में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी इंक्रीज द एसिडिटी, कैसे प्रूव किया देखो जी जल्दी समझोगे। जब ये खींच रहे ना जी तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या पढ़े जा रहे हैं तो तीन बार देखोगे याद आ जाएगा, हमने इसको खींचा ना तो ये खींचा ओ पे आएगा डेल्टा प्लस है प्लस तो क्या होगा जल्दी दे ये बॉन्ड क्या होगा इजीली होगा क्लीवेज क्या होगा इजीली ब्रेक, सिंपल एंड ऑफ वर्ड इजीली ब्रेक
जल्दी कौन ब्रेक हुआ और फटाफट दे रही है, क्यों? लो जी आगे से मैंने चार्ज, मतलब एसिड तो एसिडिटी होती है, नाम ही एसिड है। और लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी और बढ़ जाती है जी। ट्वेल्थ में क्या पढ़ोगे, ये जल्दी घुमाएगा जी, क्या जो है ना ड्रॉइंग ग्रुप है ना, डेल्टा प्राइम प्लस यहां जल्दी आए, जल्दी घुमाएगा, मतलब रेजोनेंस जल्दी बनेगा जी। कोई सोचे 50,000 रुपया देना है जी, 1 करोड़ मिलने वाले हैं, भगवान जी देने वाले हैं, सब काम ठीक है छोड़ के तो वही काम करो फटाफट, क्यों ज्यादा होने वाले हैं स्टेबल। तो यहाँ पे पता है इसको है, यदि हम इसको खींच लेंगे दो दे देंगे एच, तो ओपे प्लस चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी हुआ देख लो पहले जी। ये स्कूल जी मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम रहा, आगे कुछ आसान लगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ किस में, इस एसिड ग्रुप पे ध्यान दो जी, ये देने वाला है ऐसे वाला, इसमें क्या होगा डेल्टा माइनस होगा, बोलो जी क्या जल्दी आना चाहेगा ये नहीं। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक तो है, ये क्या होगा यहाँ डिफिकल्ट होगा, क्या होगा तो क्या होगा स्लो होगा, क्या होगा ये स्लो होगा जी, मुश्किल से होगा स्लो हो जाएगा, और लॉस स्लो होके तब ये लॉस करेगा, बस ये कॉन्सेप्ट जोड़ी था जी एसिडिटी के लिए। तो क्यों हमें याद करवाने के लिए में इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप लिखाने वाला हूँ, इंक्रीज द एसिडिटी। पूरी केमिस्ट्री में जी 11th 12th किसी भी एसिड में जो एसिडिक नेचर होगा कंपाउंड, ये लगा दोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये क्या है नॉर्मल था, ये क्या था जी नॉर्मल, कुछ लगा नहीं था, ये नॉर्मल था, क्या था नॉर्मल ग्रुप था, एच लगा हुआ था। एच तो क्या होता है जी, एच के रिस्पेक्ट में होता है कभी भी डोनेटिंग और ड्राइंग। हाँ जी बुक में पढ़ोगे, सुनो जी बुक में पढ़ोगे क्या लिखा है एनसीईआरटी में, कोई प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन है, ये एच को हटा दो, एच के रिस्पेक्ट में आता है कोई फ्लोरीन टोरीन आता है कुछ ग्रुप आता है, जब कार्बन चेन में क्या हट जाए एच, क्या लग जाए वो ड्रॉइंग या डोनेटिंग, तब होता है केमिस्ट्री में। तो कार्बन चेन में ये एच ना तो कुछ नहीं है, ठीक नॉर्मल था, आगे एक लगा हुआ ड्रॉइंग दिखाऊंगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, 11th में लग गया ड्रॉइंग, एसिडिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी कम पड़ जाएगी। लिख लिया जी, ये सब तुम्हारे पेपर में नहीं पूछेंगे बेटा मुझे कॉन्सेप्ट, लेकिन तुम अभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हो तो अब तुम क्वेश्चन देखने के साथ ही बता दोगे सही क्वेश्चन समझ में आ। लिखो जी लिखो पहले नीचे लिखो लिखो नीचे जी जल्दी लिखो जी नीचे लिखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन। अब एंट्रेंस में क्या मालूम 50-60 क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस है जी, 12th का भी 11th का भी एसिडिटी हम पढ़ते रहते हैं तो इजी लगता है थोड़ा हमें, बाकी हमें बेसिक चीज ही पहले आना ही चाहिए। अब ये तुम्हारे जब स्कूल में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आते हैं, अरे फिफ्थ क्वेश्चन देखो जी, अब तुमको क्या दिया जी ऑर्डर भी दे दिया एसिडिटी का, तुम तो खुद समझ जाओगे क्या आंसर क्यों आंसर ऐसे दिया हुआ। लो जी पहले पार्ट बताओ जी, कोई बताओगे लो जी किसी को नहीं भी कुछ पता हो स्कूल में, हाँ जी बताओ जी क्या क्या दोगे पहले बारे में, कितने ए वाले में तो कितने जी इलेक्ट्रॉन बताओ लगा इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 3। दूसरे वाले में तीसरे वाले में 1, ठीक है तुम स्कूल लिख के आ जाओगे पहले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है इसीलिए मोर एसिडिटी है, टीचर ठीक कर देंगे जी। पूछोगे बेटा बताओ मैम ये क्यों होता है 3 ड्रॉइंग, बेटा 12th में पढ़ोगे जी 12th में जाओगे तो क्या नहीं है ट्रेस का चीज़ है क्यों समझोगे ज़्यादा, मतलब क्या है
मतलब हम मतलब ठीक है जी, तो तुम स्कूल में इतना कहोगे तब भी काम चल जाएगा, बाकी मैं लिखवा देता हूँ आंसर कैसे लिखोगे जी, तो इसको हम थोड़ा समझा जी। वैसे पता क्या क्या लिखा है लाइन, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है लास्ट में, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाना है जी, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी दिखाना है इस क्वेश्चन में, कैसे दिखाना है देखो दिखा रहा हूँ जी, कैसे हमें इलेक्ट्रॉन पोलराइज होता है, कहाँ चार्ज क्या जाता है बताना है, सिलेबस में है इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, लेकिन तुम जल्दी से बच्चे काम चला लेते हैं जी, ए पार्ट लो जी, मैं साथ साथ बनाओगे जरा देख देख के ऊपर, जैसे बनाए बुक में तुम लोग ऐसे बनाओगे जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे बनाओ ये पार्ट हमारा ऐसे है, बी पार्ट ऐसे है, सी पार्ट हमारा ऐसे दे रखा है, सी एल दो एच, ठीक है लो जी, सबको दिख रहा है, एक एरो ये, एक ड्राइंग ये, एक ड्राइंग ये, ठीक है, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है क्लोरीन, बोलो लो जी, हाँ जी देखो जी मैं दिखाऊँ सबको जी, समझो जी, तीन तीन खींच रहा है, तीन तीन लोग खींच रहे हैं काम से, तीन तीन इधर खींचक खिसक रहा है, जा रहा है प्लोराइज हो रहा है, तीन तीन डेल्टा प्लस चार यहाँ पे आएंगे, बोलो जी तीन तीन डेल्टा प्लस आएगा, बहुत जल्दी जी बॉन्ड टूटेगा, इजीली फास्ट होगा एकदम, क्या होगा फास्ट बॉन्ड टूटेगा फटाफट, क्यों तीन तीन ओ को ग्रुप गरीब कर रहा है जी, इसको डेफिशिएंट बना रहा है, जल्दी कहेगा नहीं जी जल्दी आ जाओ इधर ओ के पास, ये सारा खींचना इधर देखो जी, पहले देख लो पहले दो ड्रॉइंग ग्रुप है, टू इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, क्या होगा दो दिखा दो यार, ऐसे दो दिखा दिया यार, दो डेल्टा प्लस चार्ज आया, थोड़ा मीडियम होगा जी टूटेगा, यहाँ देखो एक ही ड्राइंग है, क्या है तो एक एरो दिखाओ ऐसे, एक आएगा एक डेल्टा प्लस आया, क्या होगा ये स्लो होगा, क्या होगा ये फास्ट होगा, आ तो क्या आंसर धीरे पढ़ाई, मतलब एक्स बॉन्ड टूटेगा जो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्यों दिखा दो जल्दी वो टूट के जाएगा पानी में, जैसे एसिडिटी पूछ रहे हैं, तो एरो दिखाओगे, एरो दिखा के काम पेपर तो दिखाते हैं, इसको दिखाना चाहिए, जल्दी से एक ही लाइन लिखता हूं सबको आ जाएगा समझ में, क्या लिखा थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल मेक ओ एटम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है जी, ठीक है, एंड हेंस लॉस ऑफ एच प्लस टेक्स प्लेस फास्टर, एंड ठीक है, एंड क्या हुआ, एंड हमारा क्या है जी, हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर इज द एसिडिटी, बता दिए जी लोग, टीचर कुछ भी चाहता हो टीचर समझ में जो कहते हैं ऐसे बताओ, ड्राइंग बता दिया है, एरो दिखा दिया, सब बता दिया,
लॉस ऑफ एच प्लस टेक्स प्लेस फास्टर, मैं फास्ट यहाँ लिख दिया जी, बॉन्ड टूटने वाला है फास्ट, बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा ज्यादा क्लीवेज होगा। ठीक है, जल्दी से बी पार कर लो, खत्म हो गया ये चैप्टर। इसके बाद कुछ सिग्मा पाई बॉन्ड सब निकालने वाला है, तो बॉन्डिंग पढ़ चुके कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड से जो करा था, कर लो एक क्वेश्चन। जल्दी लो जी, मैं एक काम ऐसे बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, लो जी जी जैसे मैं वैसे बनाओ, जल्दी समझ में आएगा जी, क्यों एरो दिखाना है। ठीक है जी, इसके बाद नंबर उसी का था, अब क्या बुक ने क्वेश्चन दे दिया, डोनेटिंग टैब दे दिया। लो जी एक एरो डेल्टा माइनस आ गया, एरो क्या होगा जी, इजीली हो क्या होगा, तो डिफिकल्ट होगा, दो दो है थी, दो दो डेल्टा माइनस, यहाँ क्या होगा तीन तीन डेल्टा माइनस। ये जो ऐसे करना जाना है रूपए डिफिकल्ट क्या होगा, आज जो क्वेश्चन पढ़ाया सभी स्कूल में दिखाई पड़ेंगे क्वेश्चन जी, एप्लीकेशन टाइप मैं उल्टा बात यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं किया मैं, एरो दिखाई दिया।